हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने वीवो वाई 33S एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप जो है गूगल डिस्कवर सेटिंग को अपना इनेबल कैसे कर सकते हैं, यानी कि ऑन कैसे कर सकते हैं, और ये गूगल डिस्कवर सेटिंग जो है इनेबल होने के बाद ही सेटिंग कैसे काम करती है, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए आप ये वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन में सेटिंग पेज ओपन करना है, ठीक है। सेटिंग पेज को ओपन कर लीजिए। सेटिंग पेज में आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर, इसे आपको सेलेक्ट करना है। अब इसके अगले पेज में आपको नीचे ऑप्शन मिल जाएगा होम सेटिंग, इसे आपको सेलेक्ट करना है। अब इसके अगले पेज में आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा गूगल डिस्कवर। गूगल डिस्कवर इस ऑप्शन के ठीक सामने आपको ये बटन दिया हुआ है, इस बटन को आपको टैप करना है तो ये बटन आपका ऑन हो जाएगा। इस बटन को ऑन करने से पहले मैं आपको कुछ बातें यहाँ पे समझा देता हूँ। देखिए दोस्तों, हम जब भी अपने मोबाइल फ़ोन की होम स्क्रीन पर होते हैं जहाँ पे टाइम दिखाई देता है, अगर हम इस होम स्क्रीन को राइट में ऐसे स्लाइड करते हैं तो हमारा ये होम स्क्रीन जो है अपनी जगह पर वापस आ जाती है, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, ये जो गूगल डिस्कवर सेटिंग है इसे आपको ऑन करना है। ये बटन आपको टैप करना है तो ये बटन आपका ब्लू कलर में ऑन हो जाएगा, यानी कि सेटिंग आपकी इनेबल हो जाएगी। अब देखिए सेटिंग इनेबल होने के बाद काम कैसे करती है। आप जब भी अपने मोबाइल फ़ोन की होम स्क्रीन पर होंगे ना, जहाँ पे टाइम दिखाई देता है, तो आपको इस होम स्क्रीन को राइट में ऐसे स्लाइड करना है तो आपका एक गूगल का पेज ओपन होगा, ठीक है। तो ये गूगल डिस्कवर सेटिंग जो है ना इनेबल होने के बाद ही सेटिंग कुछ इस तरीके से काम करती है आपके मोबाइल फ़ोन में। अब मैं आपको ये गूगल डिस्कवर सेटिंग को ढूंढने का एक शॉर्टकट तरीका भी बता देता हूँ आपके मोबाइल फ़ोन में। इसके लिए आपको करना क्या है, मोबाइल फ़ोन का आपको ये सेटिंग पेज फिर से ओपन करना है स्टार्टिंग से, ठीक है। सेटिंग पेज में आपको सबसे ऊपर सर्च आइकन आपको सेलेक्ट करना है और यहां पर आपको सर्च बार में सेटिंग का नेम आपको टाइप करना है गूगल डिस्कवर, ठीक है। आपको नीचे ये ऑप्शन शो हो जाएगा। यहां पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप सर्च बार में सेटिंग का नेम आप टाइप करेंगे तो यहां पर आपको स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है। अगर आप यहां पर स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे तो आपको नीचे ये ऑप्शन दिखाई नहीं देगा, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। जब ये ऑप्शन नीचे शो हो जाता है तो इसे आपको सेलेक्ट करना है। इससे क्या होगा, आपका मोबाइल फोन आपको डायरेक्टली सेटिंग के पेज में लेकर आ जाएगा और नीचे आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये मैंने आपको एक शॉर्टकट तरीका भी बता दिया है सेटिंग को ढूंढने का आपके मोबाइल फोन में।